आई एम प्राउड ऑफ माई सर कि उन्होंने पेपर ऐसा बनाया कि पूरी क्लास को पेपर आता था, बल्कि चीटिंग का तो कोई सीन ही नहीं था वहां पर। काश मैं इतनी मेहनत से पेपर की चैक में कर दी, लेकिन इतनी आसानी के साथ चूल्हा चल गया, ठीक है ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबके जो रोजे हैं और जो रमजान है वो बहुत ही मजे का और काफी अच्छा जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो मेरे सीन है वो कुछ ऑफ चल रहा है, क्योंकि पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मेरे मिड टर्म स्टार्ट होंगे, वो भी थर्ड सेमेस्टर के। तो आज जो पेपर था वो था हमारा कुरान का, और मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ यार, वो पेपर कितना ही कोई अच्छा हो, इतना ही कमाल का। आई एम प्राउड ऑफ माई सर कि उन्होंने पेपर ऐसा बनाया कि पूरी क्लास को पेपर आता था, बल्कि चीटिंग का तो कोई सीन ही नहीं था वहां पर। और पूरी क्लास इतना कोई कमाल का पेपर किया, पूरा पूरा सब पेपर करके आए हम। नो, I'm telling you। रमजान के साथ चीटिंग कौन करता है भाई, तो इसलिए ना तो हम लोगों ने कोई चीटिंग की है, और काफी कमाल और बहुत ही मजेदार पेपर कर आए हम लोग आज, इस्लाम अल कुरान का पेपर, ठीक है। तो कभी ना कभी तो सर मेरा व्लॉग देखेंगे, तो सर आज आपकी वजह से हम सारे बच्चे पास करेंगे, समझ रहे हो आप। ओके, तो खैर गाइस, आज है फोर्थ रोजा, ठीक है ना। तो आज हम तैयारी करने लगे हैं फोर्थ अफ्तारी की। तो उसमें जैसे कि पिछले भी देखा था, हम लोगों ने बनाए थे पालक के पकौड़े, उसे फिर से हमने अफ्तारी में बनाए थे मसाला फ्राइज। मतलब कि आपको मेरे हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नई रेसिपी सीखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अगर हमने नहीं देखा जा करके पालक के पकौड़े मामा ने बनाए थे, ठीक है, वो पहली बार वो भी इतने बड़े बड़े पकौड़े बने थे ना, आपको मेरे पापा की नहीं आता, आप जाकर ब्लॉग देख सकते हैं, और बहुत ही मज़े के पकौड़े बने थे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो टेस्ट ही नहीं किए थे, मम्मा कह रही थी कि बहुत मज़े के बनाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पालक के पकौड़े। तो खैर आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, आज हम सीखेंगे कि कचौरी कैसे बनाती है, ठीक है। अभी मम्मा ने मुझे कहा है कि जाके उसका तुम वो गूंदो मैदा, ठीक है ना, वो डो गूंदनी है, ठीक है। तो मैदा कहाँ से गूंदते हैं, मैदा तो डालते हैं, तो अच्छा तो डो गूंदनी है, तो मैं सोचा मैं आप लोगों को भी साथ दिखाती हूँ कि कैसे बनती है कचौरियाँ। हम लोग बनाएंगे कीमे की कचौरियाँ, क्योंकि कीमा पड़ा था, तो मम्मा ने कहा कीमा जो है वो ख़राब ना हो जाए, तो उसकी कचौरियाँ बना लेते हैं। वैसे तो मम्मा ने कीमे के जो थे वो कबाब वो बना लिए थे, ठीक है। तब हम लोग अंदर चल के देखते हैं और अपनी जो रेसिपी है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो खैर गाइस, अब हम लोग बनाने लगे कचौरियाँ, ठीक है। कचौरी के सबसे पहले आप लोग को चाहिए एक कप मैदे का, ठीक है ना। आप लोग अपनी मर्जी का मैदा ले सकते हैं, जितना आप लोगों ने बनानी है, ठीक है, आप उस हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया एक कप मैदा, जो हमने उसमें डाल दिया। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग चुटकी भर नमक, ठीक है। चुटकी भर नमक मतलब कि आपको जो नमक है वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी, ठीक है, चुटकी भर के, क्योंकि जो मेरा जो मैदा है ना वो कम है, वो एक कप है, ठीक है। तो आप लोगों ने ना अपने टेस्ट के मुताबिक सब कुछ डालना है, ये डाल दिया। उसके बाद हम लोग इसके लिए डालेंगे घी के 2 टेबलस्पून, ठीक है ना। और घी किधर है मामा, घी किधर है जी? अच्छा डांट ही रही है, ये रहा घी, खत्म हो जा रहा घी भी, इतने तो ये हो गए सारे। चम्मच सेम टू यू। अच्छा तो ये हम लोग लेंगे घी, ठीक है ना, 2 टेबलस्पून भर के जो है ना हम लोग को इसके अंदर डाल देंगे, एक और ये 2, ठीक है, और उसको बाद में छोड़ेंगे। अब हम लोग इसमें डालेंगे अजवाइन, अच्छा कर लेते हैं अजवाइन। मामा अजवाइन किधर है जी? ओके, तो क्या गाइस, मुझे ना वो 1 and 4 teaspoon नहीं मिली, तो मैंने 1 teaspoon ही ले लिया, ठीक है। लेकिन आप 1 and 4 teaspoon डाली, तो मैं इसको थोड़ा कम करके डाल देती हूँ, और हम उसके अंदर डाल देंगे अजवाइन, ज्यादा लग गया तो कम कर देंगे, और हम उसके अंदर डाल देंगे अजवाइन, ठीक है, ये हो गया। अब हम सब चीजों को समेटेंगे, और इसको हम लोगों ने जो है ना नीम गर्म पानी से घोल लेना है। ओके, तो अब हम लोग करेंगे इसको गूंदेंगे, ठीक है। तो हम लोग पानी भरेंगे, अब उसको हम लोग करेंगे पानी भर के ना गरम, ठीक है। मैंने आधा कप जो है वो पानी ना भर लिया, हम उसको करेंगे गरम माइक्रोवेव के अंदर, ठीक है, नीम गरम थोड़ा सा गरम करेंगे हम उसको, ताकि हमें जो है वो अच्छे से भूंगी जाए, ये क्या। अच्छा, जितनी देर तक पानी गर्म हो रहा है, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग गूंदने लगे हैं, ठीक है ना, अपनी जो डो है उसको, जिसके अंदर हम लोग बालू या ऊपर हाथ कर लेते हैं, ये रहा गर्म पानी, ठीक है ना।
गर्म हो गए, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। हाँ जल गया मेरा। अब ये डालेंगे हम लोग इसके अंदर। हम लोग कहने लगे अपने हाथ खराब, और ये इस तरह करके हम लोग भूल देंगे। ये देखे देखा किसी को ऐसे घूमते हुए, इतना अच्छा भी घूमता है की बात रही हो। चाहे हम उसका चेहरे तो वहीं से घूमते हैं, वहीं जाया जाए। डाल दिया तो और तो मैदा ज्यादा कर लेते हैं ना, तो अभी तो पानी और डालो। पानी डाल के घूम के ना पहले। मम्मा नहीं है, अभी और पानी डालना है। मम्मा यार क्या जीव गंदा काम मुझे दे देती है आप। ब्रदर डालो ना, डालो पहले ही पतला हो गया है अजीब। थोड़ा सा ऑयल लगाओ हाथों पे भी जल्दी। हाँ अमीरा कैसे निकालूंगी मैंने। ओके तो ऑयल जो है वो अपने हाथों पर लगा दिए, उसको मार लेंगे ठीक है, और इसको गूंदे हंस रहे हो तुम। ये क्या जितने जितने फिर खाने हैं ठीक है ना। मम्मा जो है वो रोल निकाले, वो उनको समोसे निकालते लेंगे ठीक है। मैं जो है वो आलू के समोसे खा देती हूँ, मुझे आलू के समोसे जो है बहुत पसंद है ठीक है। तो ये रहा हमारा टैंक ठीक है, उसमें मम्मा ने शुगर डाल दिया। मम्मा ने कहा था उसको मिक्स करने, सबसे मुश्किल काम मम्मा ने मुझे दिया और जो आसान काम मम्मा ने कर दिया ठीक है। तो अब हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कैसे घुल जाए। आज हमने बनाया लेमन वाला टैंक, मिक्स करते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स करना है ठीक है ना। ऊपर ये को हम नीचे रखें तो इतनी जोर से मिक्स करने के बाद भी मिक्स नहीं हो रहा। काश मैंने इतनी मेहनत पेपर की जैग में कर देती, लेकिन खैर अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी अफसोस की बात है। मैं एक दिन इतनी मेहनत कर रही हूँ ये चीनी घोलने में, और आप लोग सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा सकते। ओके तो खैर गाइस ये जो था हमारा कीमा बना हुआ था ठीक है ना। मम्मा ने बनाया था ये कीमा ठीक है, रोटी के सब खाने के लिए हम लोगों ने खाया था। तो मम्मा ने सोचा कि इसको ड्राई करने की वजह हम लोग उसी की कचौड़ियाँ बना लेते हैं। तो उसके अंदर मम्मा ने थोड़ी सी मिर्चें डाल दी और सूखा धनिया वगैरह डाल दिया है ठीक है। फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और मैं अभी कचौड़ियों की शेप बनाना सिखाऊंगी मम्मा के वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है ठीक है, जो आप लोगों ने आटा गूंदा था ना ठीक है, दो गूंदी थी हम लोगों ने ठीक है, उसको आप लोगों ने एक रोटी की शेप में बना लेना है। बिल्कुल सीधा सीधा आप लोगों ने इसको ना वे लेना है बिल्कुल इस तरह से। ओके तो अब आप लोगों ने उसके ऊपर लगाना है घी ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मम्मा लगा रही है। पूरे रोटी के ऊपर आप लोगों ने घी लगा देना है। उसके बाद आप लोगों के ऊपर मैदा छिड़कना है ठीक है। ये जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे मैदा, आपने आटा नहीं इस्तेमाल करना, मैदा ही आप लोगों ने उसके ऊपर छिड़कना है। ओके तो अब आप लोगों को इसको दोनों तरफ से बिल्कुल इस तरह बंद कर देना है, और इसको और आप लोगों ने इस तरह करके इसको आप लोगों ने वैसे इसको फोल्ड करके रखना है इस तरह। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसकी रोटी बनानी दोबारा से, रोटी बनाई इसकी। ओके उसके बाद जो आप लोगों का कीमे वाला मिक्सचर है ठीक है ना, वो आप लोगों ने इसके अंदर रखना है, इसके बिल्कुल सेंटर में आप लोगों ने रखना है, और जितना मर्जी आप लोग घंटा रख सकते हैं। आपस में पकड़ना है बिल्कुल इस तरह करके, इस तरह करके आप लोगों ने फोल्ड कर देना है। मतलब कि कैसे वहां करिए, यहाँ से ऐसे करके थोड़ा। ओके तो खैर गाइस ये देखिए हमारी जो कचौड़ियाँ हैं ठीक है वो बन चुकी हैं। ये रही हमारी कचौड़ियाँ ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ बनी हैं, और अभी ये कच्ची एक बन रही है ठीक है। बाकी ये सारा सामान जो लोग बाहर जाके रखते हैं, क्योंकि जब अफ्तारी का जो है वो वक्त होने वाला है, तो ये जो सारा सामान है हम यहाँ टेबल के ऊपर सेट करते हैं इस तरह करके ठीक है। ये रही हमारी प्लेट,
राइस की, ठीक है। और हम जाके यहाँ पर जाके रखे लाइट को बंद की है हम ना मैडम। ओके अब हम जाके अपनी जो है गिलास वगैरह वो उठा के रख देते हैं। एक गिलास होने वाला है, ये है रख देंगे। ये हो गए फ्राइज हो गए और ये वाले हो गए ये। बिस्मिल्लाह ठीक है, ये हो गया सारा सामान हमारा। और अब खजूरें रह गई हैं और बस खजूरें और वो केचप वगैरह रह गए। ओके तो खैर गाइस अब अफ्तारी का वक्त होने लगा, ठीक है ना, वो पर टाइम देखे आप लोग, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों से जब अफ्तारी करके मिलती हूँ। ओके सो गाइस वेलकम बैक। अब हम लोग आने लगे हैं चाय पी के, हमने अफ्तारी भी कर ली है और हमें नमाज पढ़ी। अब रहते चाहिए ठीक है, आप में से जो भी कोई अफ्तारी के बाद चाय लवर है ठीक है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दी ठीक है, क्योंकि हम लोग भी चाय लवर हैं और हम लोग चाय बनाने लगे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने चूल्हा कैसे ऑन करना है। अगर आप लोगों को चूल्हा ऐसे ऑन करते हुए डर लगता है ठीक है ना, इस तरह करके अगर आप चूल्हा ऑन नहीं करना था, तो आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका सिखाती चूल्हा ऑन करने का। आप लोगों को चाहिए एक चिमटा, एक अलग चिमटा ठीक है। चिमटे से चिमटे को आप लोगों ने इस तरह करके ना कि देखिए ये आप लोगों के पास आती है माचिस की तीली ठीक है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल इस तरह करके रखना है और इसको अपने अच्छे से एडजस्ट कर लेना ताकि यही लेना ठीक है ना। और ये देखिए ये आप लोगों ने इस तरह करना है। वाह चेक दिस। ओके तो हम लोग दोबारा से करते हैं, आप लोगों ने इसको आराम से इस तरह करना है ठीक है ना, और इधर इस तरह करके रख देना इसके ऊपर और यहाँ से आप लोगों ने गैस ऑन कर लेनी। तो वो देखो इतनी आसानी के साथ चूल्हा चल गया ठीक है ना। ये चूल्हा चलाने का इससे अच्छा है चिमटे की मदद से आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा ठीक है। ये देखिए मैंने आप लोग कितना अच्छा लगता है। ओके तो खैर गाइस ठीक है, यहाँ पर जो हमारी चाय बन रही है तो अब हम लोग इसका बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि शहरी के जो बर्तन थे मामा धोते हुए अफ्तारी के बर्तन के बारे में मेरे घर में चलते हैं ठीक है। तो अब हम लोग जो बर्तन धोना शुरू करते हैं ठीक है ना। तो अभी जो हमारी चाय बन रही है ठीक है, चाय बन गई तो फिर मैं आप लोग को सब पता है दिखाती हूँ कितना ही तो मज़े की कप वाली चाय बन रही है। ओके तो खैर गाइस ये देखिए मेरे चाय का कलर कितना ही प्यारा आया है ठीक है ना। और अब हम इसको जो है वो कप के अंदर शिफ्ट करेंगे। ये रहा का वो इसके अंदर तो पानी था और मैं इसी के अंदर डालने लगी थी चाय, शिट पानी हम गिरा देते हैं चाय है वो इसके अंदर डालेंगे बड़ी प्यार से। ये चाय। ओके तो खैर गाइस ये था आज के ब्लॉग का, बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ठीक है। मैं अभी एक क्रीम चाट टाइम में बाहर बैठ कर आराम से मामा ड्रामा देख लूँ, सब बैठ के मैं ड्रामा देखूँगी और क्रीम चाट अपनी खाऊंगी। तो खैर मैं आज के ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सब्सक्राइब करें ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ठीक है वो आप लोग तक पहुँचता रहे। और लास्ट में सब्सक्राइब करना ठीक है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ शहरी में अगर हिम्मत हुई ब्लॉग बनाने की तो ठीक है, वरना फिर अफ्तारी में कल मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। हाफिज़।